दोस्तों सर्दियों का टाइम पास में आ रहा है और ऐसे में अगर आप लोग अपने लिए एक सबसे बेहतरीन रूम हीटर खरीदना चाहते हो ना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम की होने वाली है। कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम में से ज्यादातर लोगों ने कुछ ऐसी खबर तो सुनी ही होगी कि कोई रूम हीटर यूज कर रहा था, रूम बंद करके सो गए और सुबह तक रूम की सारी ऑक्सीजन बर्न हो गई, जिसकी वजह से जो लोग सोए थे वे सुबह उठे भी नहीं। ऐसी न्यूज बहुत सारी देखने को मिलती है दोस्तों, और ये एक बहुत कॉमन केस भी होता है रूम हीटर के साथ में। इसीलिए जो रूम हीटर होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा डेंजर अप्लायंस आपके लिए हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस आप लोगों को उसके बारे में सही जानकारी ना हो तो। इवन हमारी हेल्थ को भी ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे में सर्दी का टाइम पास में आने लग रहा है और सर्दी में रूम हीटर लेना भी जरूरी है, लेकिन कौन सा रूम हीटर ले जिसकी वजह से हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का इशू को फेस ना करना पड़े और हमारे लिए बढ़िया भी रहे, उसी के बारे में दोस्तों ये वीडियो होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कन्वेक्शन रूम हीटर। अब जो ये ऑक्सीजन बर्न वाली मैंने आपको बात बताई है ना, ये रेडिएंट रूम हीटर में बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में जो ऑयल कूल्ड रूम हीटर होते हैं ना, वो काफी ज्यादा कंपेरेटिवली सेफ होते हैं, लेकिन वे थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। थोड़े से क्या, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप लोगों के लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है कन्वेक्शन रूम हीटर को परचेज करना, या फैन रूम हीटर भी हम इसको बोल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है। दूसरी चीज, ये ना बजट में भी आता है, काफी कम बजट, 1000 रुपए से शुरू होकर 2-3-4 हजार रुपए तक मैक्सिमम आपको अच्छे से अच्छे कन्वेक्शन रूम हीटर मार्केट में देखने को मिल जाए। कन्वेक्शन रूम हीटर बेसिकली आपके रूम की ऑक्सीजन को बर्न नहीं करता है और आपको ऑयल फिल्ड रूम हीटर जैसी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराता है। तो ऐसे में इंडिया में सबसे ज्यादा जो चलने वाले रूम हीटर्स होते हैं वो कन्वेक्शन रूम हीटर्स ही है। लेकिन रूम हीटर कोई सा भी हो, भले कन्वेक्शन हो या कोई और हो, कुछ चीजें ऐसी है दोस्तों जो आप लोगों को जरूर जाननी चाहिए रूम हीटर लेने से पहले। अगर आप लोग परचेज तो करोगे ही, लेकिन ये वीडियो देख लो बिना स्किप करे, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मैं पर्सनली चाहता हूं कि आप लोगों को पता चले। सो हे गाइस, दिस इज प्रशांत चौधरी, वेलकम टू प्रोडक्ट बाजार। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेक्शन रूम हीटर होता क्या है दोस्तों? कन्वेक्शन रूम हीटर को, जैसे कि मैंने आपको बताया, फैन रूम हीटर भी कहते हैं। इसमें बेसिकली एक ब्लोअर फैन होता है और एक हीटिंग एलिमेंट होता है। वो हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है, ब्लोअर फैन उस गर्म हवा को बाहर फेंकता है, और इस तरीके से ये कन्वेक्शन रूम हीटर काम करते हैं। अब ये जो हीटिंग एलिमेंट है ना भाई, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रूम हीटर्स में, क्योंकि यही खराब होते हैं अक्सर। कोई भी दिक्कत आएगी तो इन हीटिंग एलिमेंट्स में ही आएंगी। बेसिकली मार्केट में आपको दो तरीके के हीटिंग एलिमेंट मिलते हैं, एक मिलता है मिक इंसुलेटर और दूसरा मिलता है पीटीसी एलिमेंट। एंड ऐसे में हमें यहां पर हमेशा पीटीसी एलिमेंट की तरफ जाना है, क्योंकि इसमें ना ये बेसिकली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, अभी नया नया है और सबसे ज्यादा बेटर है हमारे लिए, और इसमें ऑक्सीजन बर्न होने के भी चांसेस नहीं होते। ये आपके लिए सेफ भी है, सेफ होने के साथ साथ में सेल्फ रेगुलेटरी भी है, और अपने हिसाब से आप इससे ज्यादा या कम एयर का ऑप्शन चूज कर सकते हो, जिससे हीटिंग आप लोगों की काफी जल्दी हो जाए। अब ऑक्सीजन बर्न या सेफ्टी की हम यहाँ पर इतनी बात कर रहे हैं ना, तो सेफ्टी में कुछ चीजें और हैं। जैसे हर एक हीटर में ना प्रोटेक्टिव ग्रिल होनी चाहिए, ताकि आपके घर में कोई बच्चा हो या कुछ भी हो, या आप ही भले ही क्यों ना हो, आपके हाथ वगैरह उसमें अंदर ना चले जाए, कोई जलने का खतरा ना हो। इसके अलावा दोस्तों ऑटो थर्मोस्टेट एंड सेंसर्स जरूर होने चाहिए, ताकि अगर कभी ओवरहीट हो जाए ना आपका रूम हीटर, तो वो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि रूम हीटर की वजह से बहुत सारे आग लगने के इंसिडेंट भी हो जाते हैं। खैर, इस वीडियो में हम जितने भी रूम हीटर्स आप लोगों को सजेस्ट करने वाले हैं, वे सभी सेफ रूम हीटर्स रहने वाले हैं, एंड आपके लिए आज की डेट में इंडिया में आने वाले बेस्ट रूम हीटर्स ये रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भले ही रूम हीटर कोई भी हो, कन्वेक्शन रूम हीटर भी हो, कुछ कुछ चांसेस हो जाते हैं भाई ऑक्सीजन बर्न होने के। और ऑक्सीजन बर्न को हम कंप्लीटली कब तक नहीं रोक सकते? जब तक हम अपने रूम में वेंटिलेशन नहीं छोड़ेंगे। एक विंडो खिड़की वगैरह ओपन आपके रूम की रहनी चाहिए जब आप रूम हीटर को यूज कर रहे हो ज्यादा टाइम के लिए, या रात में सोते टाइम। इस चीज का आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। एंड एक और चीज हमें देखने को मिलती है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है ना जब रूम हीटर चलाते हैं, क्योंकि वो ह्यूमिडिटी बेसिकली आपकी हवा में से खत्म कर देता है। तो उस चीज से बचने के लिए सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप लोग एक पानी का बोल रो और उसको अपने रूम में प्लेस कर दो, तो आपका जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो काफी हद तक मेंटेन रहेगा। खैर, चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को सारे बढ़िया और सेफ रूम हीटर्स मिलने वाले हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट भी है, वारंटी एंड आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी है, एंड काफी बढ़िया तरीके से काम भी करते हैं। तो यहाँ पर नंबर 5 पर जो कन्वेक्शन रूम हीटर आता है भाई, आता है अमेजन ब्रांड की तरफ से आने वाला सोलिमो रूम हीटर। ये एक बेसिकली पीटीसी रूम हीटर है, तो इसमें ऑक्सीजन बर्न होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा इसमें आपको 2000 वोट की पावर कंजप्शन मिल जाती है। 2000 वोट की पावर कंजप्शन का मतलब ये कि ये हीटिंग
काफी जल्दी प्रोवाइड करेगा आपको। इसको ना आप 1000 वोट पे भी यूज कर सकते हो और 2000 वोट पे भी यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसका जो एयर थ्रो रेट है वो होने वाला है 10 फीट तक का, जो कि काफी बढ़िया रेंज है। एबीएस मटेरियल ग्रिल इसमें अपने को मिल जाती है, प्लास्टिक बॉडी के साथ में यूरोमीटर आता है। ये प्लास्टिक बॉडी ऐसी नहीं होती कि चलने के रोमीटर है गर्म होगा पिघल जाएगी, नहीं, एबीएस मटेरियल है, मतलब काफी बढ़िया ड्यूरेबिलिटी इसकी होने वाली। ओवरहीट प्रोटेक्शन इसमें मिल जाती है, और हमने खास करके ध्यान रखा है कि कोई भी रोमीटर हो, जो मोटर हो ना वो 100% कॉपर मोटर हो, ताकि काफी बढ़िया टाइम तक, लंबे समय तक वो चले। ISI मार्किंग के साथ में ये रोमीटर आता है भाई, अमेजन ब्रांड इस पे आपको 1 साल की वारंटी देती है, और आज की रेट में 1300 रुपीज का इसका प्राइस है। बहुत ही बजट फ्रेंडली, इकोनॉमिकली जो है ये आप लोगों के लिए रोमीटर हो सकता है, इसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। इसका जो बेस्ट बाय लिंक होगा वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं नेक्स्ट रोमीटर की, तो भाई ये होने वाला है नंबर 4 पे आने वाला, बजाज की तरफ से आने वाला मजेस्टी रोमीटर। ये दोस्तों थोड़ा सा प्रीमियम जो है आप इसको प्रोडक्ट बोल सकते हो, बेसिकली 2000 वोल्ट की पावर कंजप्शन के साथ में यही आता है, और पीटीसी रोमीटर है। हमने सारे ही पीटीसी रोमीटर लिए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन बर्न के झंझट इसमें नहीं होती है। एंड अगर आपका रूम 150 स्क्वायर फीट तक का है ना, तो ये बजाज का रोमीटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम करेगा। अब इसको ना आप अलग अलग वोल्टेज पे यूज कर सकते हो, 600 वोल्ट पे भी यूज कर सकते हो, 1200 वोल्ट पे भी यूज कर सकते हो, इवन 2000 वोल्ट पे भी इजीली इसको यूज कर सकते हो, आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको ओवरहीट प्रोटेक्शन मिल जाती है, ऑटोमेटिक थर्मल कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल नोब मिल जाती है, कूल टच हैंडल मिल जाएगा, मतलब गर्म ज्यादा नहीं होगा, एंड एडजस्टेबल हाइट इसकी मिलने वाली है। बढ़िया प्रोडक्ट है, सेफ प्रोडक्ट है, ISI मार्क ये प्रोडक्ट है, एंड बजाज इस पे आपको 2 साल की वारंटी देता है, मतलब वारंटी पीरियड भी काफी बढ़िया है। और जो है प्राइस इसका आज की डेट में वो होने वाला है 2300 रुपीज। 2300 रुपए के अंदर बजाज का प्रोडक्ट आपके घर के लिए परफेक्टली काम करेगा, और काफी लंबे टाइम तक के लिए काम करेगा। इसको भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, उसका भी बेस्ट बाय लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारे लिस्ट पे आने वाले थर्ड रोमीटर की, जो कि आता है उषा ब्रांड की तरफ से। अब उषा का नाम हम सभी लोगों ने सुना है, काफी बढ़िया प्रोडक्ट उषा ब्रांड की तरफ से आते हैं, एंड ये भी एक बेसिकली पीटीसी रोमीटर होने वाला है। 2000 वोट की पावर के साथ में आता है, और 150-160 स्क्वायर फीट तक का एरिया इजीली ये बढ़िया से गर्म कर देगा। मल्टीपल हीट सेटिंग आती है इसमें भी, 665 वोट पे चला सकते हो आप इसको, 1330 वोट पे भी चला सकते हो, इवन 2000 वोट पर भी आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसमें ना भाई आप लोगों को लो एंड हाई फैन मोड मिल जाएगा, अपने हिसाब से फैन की स्पीड को आप चेंज कर सकते हो। ओवरहीट प्रोटेक्शन के साथ साथ में आपको ऑटोमेटिक थर्मल कट ऑफ फीचर भी इसमें देखने को मिल जाता है, एंड इसमें आपको इजी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, जिसकी वजह से काफी आसानी से आप इसको उठा पाओगे। ISI मार्क ये रोमीटर है दोस्तों, और उषा ब्रांड इस पे आपको 1 साल की वारंटी प्रोवाइड कराती है। बात करें प्राइस की, तो आज की डेट में 2500 रुपीज का ये रोमीटर आप इजीली कंसिडर कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले टॉप सेकंड प्रोडक्ट की, जिसका नाम है ओरपट की तरफ से आने वाला फैन हीटर। अब ये भी ना दोस्तों 2000 वोट का पीटीसी रोमीटर है। इसमें एक खास बात यह है कि अगर आपका 250 स्क्वायर फीट का भी एरिया है, तो ये रोमीटर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करेगा बड़े एरिया में। 1000 वोट एंड 2000 वोट की सेटिंग पे आप इसको चला सकते हो। प्रोटेक्टेड जो है ग्रिल इसमें आप लोगों को मिल जाएगी, प्लास्टिक बॉडी के साथ साथ में मेटल की ग्रिल्स में आप लोगों को मिल जाती है, ओवरहीट प्रोटेक्शन फीचर मिल जाएगा, सेफ्टी थर्मल कट ऑफ फीचर भी मिल जाएगा, और 2 एडजस्टेबल नोब कंट्रोल्स भी आप लोगों को इसमें मिल जाते हैं हीट सेटिंग्स के लिए। इसके अलावा 100% कॉपर मोटर इसमें भी आप लोगों को मिलेगी, एंड ये भी एक ISI मार्क प्रोडक्ट है दोस्तों। खास बात ये है कि ये प्रोडक्ट ना आप लोगों को 2 साल की वारंटी के साथ में मिलता है, और ओरपट की तरफ से जो आने वाला प्रोडक्ट है, इसका जो प्राइस है आज की डेट में वो होने वाला है सिर्फ 1150 रुपीज एज ऑफ नाउ। तो ये बजट में, सबसे कम बजट में सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट आप लोगों के लिए होने वाला है दोस्तों। इसका भी बेस्ट बाय लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अब बात करते हैं हमारी लिस्ट पे आने वाले नंबर 1 प्रोडक्ट की, जो कि आता है हैवेल्स की तरफ से आने वाला रोमीटर। दोस्तों ये भी एक 2000 वोल्ट का पीटीसी रोमीटर है, जिसमें ऑक्सीजन बर्न का कोई इशू नहीं होने वाला। हैवेल्स की तरफ से है, तो आप लोग समझ सकते हो कितने प्यारे प्रोडक्ट आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। बेसिकली बड़ा अगर आपका रूम है ना, तो ये रोमीटर परफेक्टली काम करेगा अप टू 250 स्क्वायर फीट के। अब इसमें भी बेसिकली अपने को 2 हीट सेटिंग मिल जाती है, जिससे हम इसको 1300 वोट पे चला सकते हैं, ये 2000 वोट पर भी चला सकते हैं। प्लास्टिक बॉडी के साथ में मेटलिक ग्रिल इसमें अपने को मिल जाती है, एंड 180 डिग्री ऑस्किलेशन फंक्शन इसमें अपने को मिल जाता है, जिसकी वजह से मल्टी डायरेक्शन फ्लो इससे निकलेगा, जिससे आपका रूम काफी जल्दी से गर्म होना शुरू हो जाएगा।
इसी के साथ साथ में इसमें अपने को ओवरहीट प्रोटेक्शन भी मिल जाती है एंड एडजस्टेबल थर्मोस्टेट फीचर भी मिल जाता है। अगर इसे लगता है, अगर आप रात को सो रहे हो और हीटिंग ज्यादा हो गई रूम में, ज्यादा गर्म हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को बंद कर लेगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है सेफ्टी के नजरिए से। क्लीनेबल ग्रिल इसमें आप लोगों को मिलती है और खास बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल, रिलायबल एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से ना दोस्तों बहुत ही ज्यादा कमाल का रूम हीटर आप लोगों के लिए होने वाला है। ISI मार्क प्रोडक्ट है दोस्तों, एक साल की वारंटी आप लोगों से मिलती है, लेकिन जो इसका प्राइस होने वाला है वो भी थोड़ा सा प्रीमियम ही होने वाला है। अराउंड 4000 रुपीज के आसपास आप लोगों को ये रूम हीटर मिल जाएगा। सेल के टाइम पे शायद इसका प्राइस थोड़ा बहुत कम हो जाए, बट डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट चॉइस अंडर दिस प्राइस रेंज ये वाला रूम हीटर होने वाला है। इवन इन पांचों में से आप कोई भी रूम हीटर अपने लिए कंसिडर कर सकते हो, बस जो मैंने आप लोगों को बात कही है वो बात थोड़ी सी ध्यान में रख लेना। इन सभी रूम हीटर्स के बेस्ट बाय लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर इनके प्राइस को भी चेकआउट कर सकते हो या इन्हें परचेज भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, तो अपनी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्रिप्शन से हमें ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है और इस तरीके की वीडियोस हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, आप ही लोगों का चैनल है। मिलते हैं इस तरीके से वीडियो में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।